अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो मैं आज आपके साथ हॉनेस्ट रिव्यू शेयर करूँगी स्किन एक्वा के सनस्क्रीन का, ठीक है। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। तो ये स्किन एक्वा का सनस्क्रीन है, SPF 50+ है। तो ये वाकई में स्किन पे काम करता है या नहीं करता है, तो मैं आपके साथ हॉनेस्ट रिव्यू इसका शेयर करूँगी। ये कुछ इस तरीके से इसका बॉक्स है और इसके अंदर एक ब्लैक कलर का बॉक्स होता है जिसमें इसकी जो बॉटल है वो फिट होती है, ठीक है। मैंने वो फेंक दिया था और ये मैंने बॉक्स संभाल के रखा था क्योंकि मुझे आपके साथ हॉनेस्ट रिव्यू इसका शेयर करना था, ठीक है। इसका ये जो बॉक्स है और ये जिसमें इंग्रीडियंट्स मिक्स हैं वाकई में वो इतने अच्छे इंग्रीडियंट हैं, विटामिन ई, विटामिन सी, जो कि हमारे फेस को जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है पूरा फेस पैक है फेस के लिए, ठीक है। तो अब इसकी क्वांटिटी कितनी है, उसकी प्राइस कितनी है, मुझे ये पाकिस्तान में मिला है, ये इसकी प्राइस है 1976 रुपये, ठीक है। और मुझे पाकिस्तान में मिला है 1900 का, मैंने 1900 का इसको बाई किया है। और ये पाकिस्तान का ब्रांड नहीं है, ये जैपनीज़ ब्रांड है, सही है। इसका इस तरह से बॉक्स है और ये इस तरह की इसकी बॉटल है, इस तरह की इसकी बॉटल है और इसके अंदर एक जो है बॉल डली हुई है, इसमें लिखा हुआ भी है जब भी आप इसको लगाएं तो इस तरीके से आप इसको जैसे कि देखें शेक करके लगाएं, आपको आवाज़ भी आ रही होगी कि जो सारी चीज़ें जो इसमें हैं डली हुई वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। तो लगाने से पहले आपको अच्छी तरीके से उसको शेक करना है, ठीक है। और इसको कैसे लगाना है, और ये गलत है कि अगर आप बाहर नहीं जा रहे हैं तो आप घर में रहते हो तो घर में आपको सनस्क्रीन या सनब्लॉक लगाना नहीं चाहिए, ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। सनस्क्रीन या सनब्लॉक घर में भी आपको इस्तेमाल करना चाहिए, जो मैं हमारी हाउस वाइफ होती हैं लाजमी उनको इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि वो किचन में भी काम करती हैं, जो चूल्हे की तपिश होती है वो फेस पर पड़ती है तो उससे बहुत ज़्यादा चेहरा जो है हमारा डल होने लग जाता है, हमारी स्किन का ग्लो चला जाता है, हमारे स्किन पर कोई शाइन नहीं होती। तो ये मैं आपको ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि आप इसको इस्तेमाल करें, मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप इसको ज़रूर ख़रीदें क्योंकि मैं इसको एक महीना होने वाला है मैं इस सनस्क्रीन को इस्तेमाल करते हुए, मेरे फेस पे इतना अच्छा ग्लो आ गया है और इससे डार्क सर्कल्स भी आपके कम होने लग जाते हैं, आपके जो फेस पर दाग धब्बे होते हैं वो भी हल्के हल्के लाइट होने लग जाते हैं। तो वाकई में ये बहुत ही ज़बरदस्त सनस्क्रीन है फेस के लिए, बहुत ही अच्छा ये काम करता है, इस ये बहुत अच्छा जो है जापनीज़ ब्रांड है, आपको इसको लाजमी बाय करना चाहिए, इससे बहुत आपकी स्किन पे ग्लो आएगा, आपका जो फेस अगर डल हो गया है ब्लैक ब्लैक लगने लग गया तो वो भी ख़त्म करेगा, आपकी स्किन फेयर होने लग जाएगी, इससे काफ़ी अच्छा जो है शाइन आता है चेहरे पे और इसमें कोई वाइट कास्ट नहीं है। मैं आपको और इसमें एक जो है बॉल टाइप दी हुई है, इसमें लिखा हुआ भी है कि जब आप इसको इस्तेमाल करें तो अच्छी तरह शेक करें, आपको आवाज़ आ रही होगी, ये देखें इसको लगाने से पहले अच्छी तरह शेक करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह से है, ये गाढ़ा नहीं है, ये बहुत ज़्यादा पतला है, ये देख लीजिए, इस तरीके से जो है आपको अपनी फिंगर से इस तरह से फेस पे लगाना है और इस जब नहीं करना है हल्का हल्का इस तरीके से लगा के और छोड़ देना है, सही है। इसमें कोई वाइट कास्ट नहीं है, जो आपका फेस बहुत ज़्यादा वाइट लगता है बुरा लगता है फिर वो, और इसको आराम से जेंट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि फिर बाहर भी लगा सकते हैं, लगा के जा सकते हैं क्योंकि इसमें कोई वाइट कास्ट नहीं है, कोई मतलब वाइट कास्ट की वजह से जो चेहरा बुरा लगता है कि पता नहीं क्या लगाया हुआ हमने फेस पर, बुरा लगता है। काफ़ी सनब्लॉक में काफ़ी सनस्क्रीन में इतनी वाइट कास्ट होती है कि फेस अलग ही लग रहा होता है, तो ये उस तरह का नहीं है, इसको आप आराम से जेंट्स भी लगा सकते हैं, बाहर भी जा सकते हैं लगा के, कुछ भी इसका इतनी वाइट कास्ट नहीं नज़र आती, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा सनस्क्रीन है आपके फेस के लिए, लेकिन अब इसकी क्वांटिटी कितनी है, मैं समझ रही थी कि ये इतनी बड़ी बोतल है तो ये पूरी फुल होगी, पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये जितनी बड़ी बोतल आपको दिख रही है इसमें कितनी क्वांटिटी नहीं है, आपको बताती हूँ इसकी क्वांटिटी कितनी है। इसमें ये 25 ग्राम जो है इसकी क्वांटिटी है, ठीक है, 25 ग्राम इस पर लिखा हुआ है, देखें वेट 25 ग्राम इसकी क्वांटिटी है। अभी 25 ग्राम होता कितना है मैं आपको ये बताती हूँ, जब मैंने इसको बाय किया था मैं समझ रही थी शायद ये पूरी बॉटल फुल होगी, ठीक है, तो ये फुल नहीं है, ये कम से कम ये देखिए ये इतना सिर्फ इतना है, ये आधी बोतल से भी कम सनस्क्रीन था जब मैंने इसको लगाया, जब मैंने देखा जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने दूसरे दिन इसको गौर किया तो मुझे पता चला कि इसकी क्वान्टिटी सिर्फ इतनी है, सिर्फ इतनी क्वान्टिटी है इसकी, इतनी यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी सिर्फ क्वान्टिटी है, ये सारा एक्स्ट्रा है, ठीक है, इसमें इसके नहीं है, ये आधी बोतल समझ लें, ये आधी बोतल से थोड़ा सा कम सनस्क्रीन है, इसकी क्वांटिटी सिर्फ 25 ग्राम कितनी होती, इतनी होती है, ठीक है, आधी बोतल भी नहीं होती।
तो अगर ये जो बाय करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन इसके जो है रिजल्ट बहुत ज़्यादा बहुत ही अच्छे हैं। आपको इसको यूज़ करने से बहुत फ़ायदा होगा। ये सन से प्रोटेक्ट करता है, आपके स्किन पे ग्लो आता है, स्किन को शाइन देता है, आपके जो फेस ब्लैक ब्लैक पन होने लग जाता है फेस पर, ये उसको भी ख़त्म करता है। बहुत अच्छी हेल्दी स्किन जो है इसको यूज़ करने से आपको हो जाएगी। लेकिन ये एक महीना ही मुश्किल से चलेगा क्योंकि इसकी क्वान्टिटी बहुत कम है। आपको एक महीने में शायद दूसरी मरतबा बाय करना पड़ेगा, और कम से कम भी इसको दो मरतबा तो दिन में लगाना है। सुबह उठ के मुँह हाथ धो लीजिए, फेस को ड्राई कर लीजिए, अपने फेस पे इसको अप्लाई कर दीजिए, तो आपको फिर इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। लेकिन आपको इसको डेली लगाना है और कम से कम भी दिन में दो मरतबा तो आपको इस्तेमाल करना है। और अगर आप रात में कोई नाइट क्रीम नहीं लगाते हैं तो नाइट क्रीम की जगह भी रात को आप सो सकते हैं लगाकर, तो आपको दिन में और रात में लगा सकते हैं। और अगर कोई आप नाइट क्रीम इस्तेमाल करती हैं तो आप सुबह में लगा लीजिए मुँह हाथ धोने से पहले, मुँह हाथ धोने के बाद और काम करने से पहले आप इसको लगा लीजिए, और एक मरतबा दोपहर में दोबारा लगा लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से इसको लगाना है और इसका जादुई रिजल्ट है, आपके फेस पर ग्लो आने लग जाएगा, आपकी स्किन अच्छी होने लग जाएगी। ये मेरा हॉनेस्ट रिव्यू था, मुझे इससे बहुत अच्छा फ़र्क पड़ा है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अल्लाह हाफिज़।